गाइस महिंद्रा की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है यार। ये गाड़ी ना आप लगा लो रोड पे ऑन रोड 17-18 लाख रुपए के आसपास पड़ती है, बट इस गाड़ी में अगर मैं कॉस्ट कटिंग की बात बताऊं तो पहले वाली जो थार आती थी उसमें यहाँ पे ग्रे कलर का पार्ट आता था, मेरी वाली थार में भी यहाँ पे ग्रे कलर का ही पार्ट है, बट अब महिंद्रा ने कॉस्ट कटिंग के चलते हुए उस पार्ट को हटा दिया। एंड सच्ची बताऊं तो सामने से इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं लग रही है। सेकंड कॉस्ट कटिंग अगर मैं आपको बताऊं तो अंदर की साइड भी जो है यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करी गई है। अंदर में जो है यूएसबी पोर्ट में अब सिंगल ही एक यूएसबी पोर्ट आता है। उसके बाद अगर मैं एक और कॉस्ट कटिंग बताऊं तो भाई यहाँ पे पीछे भी एक ग्रे कलर का पार्ट आता था, उसको भी हटा के इन लोगों ने टोटली ब्लैक कर दिया है। तो और ऑटोमेटिक वेरिएंट है, तो यार मेरे को ये समझ में नहीं आता कि महिंद्रा इतना रुपया कमा के कहाँ जाओगे। चलो मैंने एक चीज़ मान ली कि सेमीकंडक्टर की वजह से आप लोगों ने यूएसबी पोर्ट्स हटा लिए होंगे, बट ये जो व्हाइट और ये ब्लैक वाला यहाँ पे सिल्वर वाला पेंट था, इसमें कौन से सेमीकंडक्टर यूज होते हैं जिसकी शॉर्टेज की वजह से आप लोगों ने इतनी कॉस्ट कटिंग करी? मुझे लिख के बताइएगा कि भाई थार में जो कॉस्ट कटिंग करी है अच्छी बात है या नहीं है, या फिर ये स्कॉर्पियो एन को अप करने के लिए एक साजिश थी।